आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वीरेंद्र जी, आप यहाँ पे जो आए हैं बिजली की समस्याओं के लेके, क्या क्या बातचीत क्या हुई आज? देखिए, हम ग्रीनफील्ड मेरिटाइम सोसाइटी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी बिजली की जो समस्या है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है और हर साल हमें ये समस्या को फेस करना पड़ता है। इसको लेकर हम प्रशासन में, बिजली डिपार्टमेंट में हर साल आते हैं तो हमें आश्वासन मिलता है। हमें 15 ट्रांसफार्मर मांगते हैं तो मुश्किल से हमें 5 को ये अलॉट करते हैं और अब की बार, पिछले साल तो फ्लैक्चुएशन थी, अब की बार और बढ़ गई। अब 2-3 दिन से तो ये स्थिति हो रही है कि लोग घरों में सो नहीं पा रहे, पंखे चल नहीं पा रहे, कहीं फ्रिज कहीं एसी सारे फ्लैक्चुएशन के कारण जल गए हैं। बहुत लॉस भी हो रहा है हमारा। अभी पीछे हम एक्शन साहब से भी मिले थे तो इन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि 5 ट्रांसफार्मर आपके लगा दिए जाएंगे, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 अभी सेंक्शन हुए। आज हम एससी साहब के पास गए, एससी साहब वहाँ पर मिले नहीं, वहाँ से आदेश किए कि आप एक्शन साहब से मिले। अभी हमारी मीटिंग एक्शन साहब से हुई है और मीटिंग के बाद ये तय किया गया है, एक्शन साहब ने एसडीओ साहब को बहुत ही टाइट किया है कि ये लोग ग्रीनफील्ड वासी दोबारा मेरे पास ना आ जाएं, 8 ट्रांसफार्मर अभी तुरंत लगाए जाएं और मौका देखिए और लोकेशन भेजिए और ताकि एक एस्टिमेट बनाकर ये ट्रांसफार्मर लगाएं, इनकी समस्या का समाधान हो और जो फ्लैक्चुएशन हो रही है उसके लिए जाकर जो 46 सेक्टर के अंदर जहां टेपिंग की जाती है जिसकी वजह से फ्लैक्चुएशन हो रही है, उन्होंने उनको बहुत ही टाइट किया है। अब आप आज शाम को टेपिंग करें ताकि इनकी फ्लैक्चुएशन ना हो। तो हमें बड़ी उम्मीद है, जो आज एक्सएस साहब ने हमें आश्वासन दिया है, बहुत ही अच्छे एक आश्वासन मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब कुछ ठीक हो जाएगी। आश्वासन तो पहले भी मिले होंगे आपको जी, तो इस बार क्या कोई खास बात है? देखिए, आज जो इन्होंने आश्वासन दिया है वो बड़ा स्ट्रांगली था, मतलब उनका बोलने का, उन्होंने एक्शन साहब ने जो एसडीओ साहब को बहुत ही मतलब रूडली सख्ती से बोला, सख्त लफ्जों में जो बोला, उससे हमें लगा कि शायद अब काम हो जाएंगे और ये कह दिया कि ये दोबारा मेरे पास ना आए इस समस्या को लेकर। अच्छा मैडम, ये जो आज आप मिलने आए, आपको क्या उम्मीद है? आप कुछ होगा, हेलो निकलेगा? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आज जो स्ट्रिक्टली बात हुई है एसडीओ साहब से तो उन्होंने कहा कि ये परेशान है, तभी तो ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इतनी गर्मी में कौन आएगा, और अब दोबारा ना आ पाए, इनकी तकलीफ अब आज की आज समाप्त होनी चाहिए और आज अपना काम करके आप जाएंगे।